हेलो हे गाइस, और अब आज देखिए हम अपने रूम से निकल गए हैं और चलेंगे दीघा की ओर, दीघा पुल पे। आज तो अभी देखिए टाइम 5:42 हो रहा है, तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिएगा दीघा की ओर चलते हैं और पुल पे क्या होता है क्या नहीं। आज रहेगा उधर का ही प्लान, तो अभी देखिए कितना धूप भी है। लगभग टाइम तो 5:42 हो गया शाम के, लेकिन धूप देखिए, धूप बहुत ज़्यादा धूप है अभी। तो ऐसे बने रहिए भाई का ब्लॉग में और चलते हैं आगे और देखते रहिए यार इस ब्लॉग। और प्लीज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सेंड कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो देखिए अभी हम लोग आ गए हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल से जस्ट आ गए। ऐसे ही बने रही है ब्लॉग में और देखते हैं ये ब्लॉग को। ये भाई साहब को क्या चल हुआ है यार, मेरे को ही दबोचने पे क्यों फड़े हुए हैं यार। तो तो चूल नहीं ना हुआ है केटीएम वाले भाई को। वैसा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन देखते हैं। देखिए अभी हम लोग जस्ट पटना पे, पटना के पास जो जंक्शन पे रुक जाएगा वहाँ जंक्शन बुकिंग करेंगे, पहले गांधी मैदान फिर से तब दीघा की ओर निकलेंगे। तो अभी हम पटना जंक्शन फ्लाईओवर पे हैं। देखिए ये सब, देखिए सब राइडर भाई लोग कैसे भाग रहा है। आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया वो लोग। देखिए अभी तो हम बहुत पीछे हो गए भाई, पता ना आपको पकड़ाएगा। हम मरीन ड्राइव पे हैं, हो सकता है कुछ। तो अब हम लोग आ गए हैं, देखिए हम आ गए हैं गांधी मैदान के पास, जो कि गांधी मैदान से जस्ट राइट जाने पर चला जाएगा मरीन ड्राइव की ओर। ड्राइव
के रास्ते पे रेलवे और आएगा इधर मजा। और बने रहिए ब्लॉग में ऐसा ही और देखते रहिए वीडियो भाई, देखते रहिए क्या मौसम है। देखिए अभी भाई ऐसे ही देखिए क्या मजा आ रहा है। अभी मौसम इतना अच्छा किया हुआ है देखिए, लेकिन सामने से इतना धूप धूप ये धूप लग नहीं रहा है, पर लग रहा है बहुत ज़्यादा धूप है, पर शरीर पे ये धूप लग नहीं रहा है। तो देखिए आ गए मरीन ड्राइव पे अब, पीछे में जो था वो एक न्यूज चैनल वाला था, न्यूज हर जगह अपना फैला रहे थे। देखिए यहाँ पे मरीन ड्राइव पे टोल टैक्स बनने का तैयारी है, तो आने वाला समय में कंफर्म है कि टोल टैक्स लगेगा ही। इसके लिए चाहे जो भी हो, आने वाले समय में यहाँ पर आना भी मुश्किल हो जाएगा। सीन है भाई मरीन ड्राइव पर, आज देखिए बरसातों में बारिश होने के बाद देखिए पूरा हरा भरा लग रहा है। ओह क्या मस्त नजारा आ रहा है। पानी भी बढ़ गया है तो उसका एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। देखते रहिए ऐसे बने रहिए वीडियो में यार इस ब्लॉग में, और प्लीज मेरे साथ चलिए देखते रहिए ब्लॉग में। देखिए इन भाई साहब को छूट हुआ, मेरे से भी अब आगे निकलेंगे, क्या करें निकलना पड़ता है भाई। ऐसा समय था जब मेरे से कोई आगे नहीं निकल पाता था, और आज ऐसा समय है कि सब भी मेरे से आगे निकलना चाहता है। निकलो भाई, फिर आएगा एक दिन मेरा समय, फिर आएगा एक दिन। तो आज कुछ अलग ही व्यवहार है मरीन ड्राइव का भाई, क्योंकि इससे पहले मैंने आया था तो भाई यहाँ पूरा हरा भरा ये सब चीज़ें नहीं लग रहा था उतना, लेकिन बारिश होने के बाद देखिए मरीन ड्राइव का जो नज़ारा है अभी फिलहाल वो बहुत ही खूबसूरत है। मज़ा आ गया आज। आज अपने मैं घर वाले अपाची का मिस कर रहा हूँ, उसको मिस कर रहा हूँ कि वो आज रहता तो यहाँ पे भाई स्पीड का तो मिस कर रहा हूँ। कुछ अलग
अलग ही नज़ारा आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए आरएस ब्लॉग। और अभी तो हम आ गए मरीन ड्राइव पे, लेकिन और चलेंगे दीघा की ओर भी, चलने का प्लान है। अभी दीघा पुल पे भी चलेंगे, उसके लिए आपको मेरे न्यू वीडियो में जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। जो कि आप लोग देखिएगा, तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई, क्योंकि अभी तो हम मरीन ड्राइव पहुंच गए। और आप दीघा के लिए अगले ब्लॉग में देखिएगा वीडियो, उसका उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो थैंक यू।